బ్యాక్ టు న్యూస్. ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికల కోసం విమెన్ మేనిఫెస్టోను విడుదల చేశాక ప్రియాంక గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు. అలా ఇప్పుడు చూద్దాం. ये जो अर्बन सेंटर्स हैं और शहरों में हैं, ये यहाँ लगवाए जाएंगे जहाँ पर महिलाएं शाम को आकर पढ़ाई कर सकेंगी और इनके लिए जो सुरक्षा के की सुविधाएं हैं उनको हम अच्छी तरह से बनवाएंगे. आपको शायद पता होगा कि कोरोना के कारण माध्यमिक स्तर की 1 करोड़ छात्राओं ने शिक्षा छोड़ी यूपी में. 2014 में शिक्षा के बजट में लगातार कटौती हुई है. 2014 के बाद से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 60% बजट सिर्फ विज्ञापनों में खर्च किया गया है. इसीलिए मैं कहती हूँ कि महिलाओं को के सशक्तिकरण की बात जो है सिर्फ विज्ञापनों में रह चुकी है और महिलाओं को जिस तरह से भागीदार बनाना चाहिए उस तरह से बनाने की कोशिश भी नहीं रही है. ये इसलिए कि सब राजनीतिक दल ये पहचानते हैं कि अगर इस देश की सारी महिलाएं अपनी शक्ति को पहचाने और उस शक्ति को एक राजनीतिक शक्ति में बदल दें तो ये देश बदल सकता है. तो ये जो जातिवाद सांप्रदायिक जो राजनीति है ये खत्म हो सकती है. तो मैं आग्रह करना चाहती हूँ सारी महिलाओं से अपनी सारी बहनों से कि एक बहुत बड़ा मौका है. आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और उसको इस्तेमाल करना है. विकास की राजनीति को लाइए इस देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में. इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए घरेलू क्षेत्र में मान्यता और सशक्तिकरण के लिए आप सब जानते होंगे एनएसएस रिपोर्ट में ये आया है कि भारतीय महिलाएं अवैतनिक घरेलू कामों में 5 घंटे हर रोज कम से कम करती हैं काम करती हैं और इसके साथ साथ भारतीय पुरुष अवैतनिक घरेलू कामों में सिर्फ 1.5 घंटा प्रतिदिन करते हैं. तो ये बहुत इम्बैलेंस है समाज में भी है. राज्य भर में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए हम मुफ्त यात्रा दिलवाना चाहते हैं. महिलाओं को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे. प्रत्येक बुजुर्ग महिला और विधवा को 1000 रुपए का मासिक पेंशन मिलेगा. प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला चौपाल का निर्माण किया जाएगा और गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट दिया जाएगा. महिलाओं के लिए निजी क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों के साथ साझेदारी में 10 विश्व स्तरीय आवासीय खेल अकादमी महिलाओं के लिए हम बनवाएंगे. परिवार में पैदा होने वाली प्रत्येक बालिका के लिए 1 FD सावधि जमा बनवाई जाएगी. घरेलू हिंसा और नशे से निपटने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की नई योजना बनेगी जिससे जिन महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है उन्हें समर्थन मिले. उनके लिए एक पॉइंट हो जहां वो जा सकती हैं मदद मांग सकती हैं जहां पे दूसरी महिलाएं उनको ठीक तरह से समझा सकती हैं और जो उनके हक हैं उनसे अवगत कर सकती हैं और उनके जो अधिकार हैं और जो लीगल टर्म्स हैं. सुरक्षा के लिए मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है. शायद सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की क्या हालात है. यहाँ पे एक ऐसा दिन नहीं बीतता जहाँ कोई महिला मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि उसके साथ कितना अत्याचार हुआ है और कितना शोषण हुआ है. एक दिन नहीं बीतता. हर रोज कोई ना कोई आके कहता है कि मेरे साथ ये हुआ है. ना प्रशासन से मदद मिल रही है ना पुलिस से मिल रही है. और अधिकतर केसेस में हमने देखा है कि प्रशासन और पुलिस मदद अपराधियों की करती है क्योंकि अपराधी ज्यादातर सत्ताधारी होता है या फिर जो सत्ता में है उनके साथ उनका कोई रिलेशनशिप होता है या उनकी जान पहचान के होते हैं. तो हमने बार बार ये देखा है. तो हम चाहते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे ये चीज़ें इनमें सख्ती आए. उसके लिए पुलिस बल में 25% महिलाओं को नौकरियां देने का हमने घोषणा की है और हर थाने में
महिला कांस्टेबल होनी चाहिए। बलात्कार जैसे अपराध की शिकायत के 10 दिन में यदि अत्याचार अधिनियम की धारा 4 का पालन न हो तो अधिकारी के निलंबन का एक कानून बनाया जाएगा, क्योंकि हमने ज्यादातर केस ऐसे देखे हैं जहां पे FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है क्योंकि साठगांठ होती है, या फिर जैसे मैंने कहा जिसने अत्याचार किया है उसका सत्ता के साथ कोई एक्सेस होता है तो पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। तो इसमें हम चाहते हैं कि एक कानून बनाया जाए कि ऐसे केसेस जो हैं इसमें अगर किसी ने FIR दर्ज नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घरेलू हिंसा और नशे के लिए मैंने पहले ही कहा, सुरक्षा के लिए और विशेष अधिकार प्राप्त आयोग का गठन जिसमें 6 महिलाएं होंगी, 2 न्यायाधीश, 2 सामाजिक कार्यकर्ता और 2 सरकारी अधिकारी। ये पीड़िता और परिवार के आरोपी या प्रशासन द्वारा शोषण और डराने धमकाने जैसे मामलों में कार्रवाई करेंगी। हर जिले में महिला पीड़ितों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता हेतु 3 सदस्यीय विशेष कानूनी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। तो हर जिला में एक ऐसा प्रकोष्ठ होगा हर जिले में जहां आपको कानूनी सहायता मुफ्त मिल सके और आपको कानूनी सलाह मिल सके अगर आप पर इस तरह के अत्याचार किए गए हैं। सेहत के लिए जैसे हमने पहले भी ऐलान किया है, कोई भी बीमारी हो तो 10 लाख रुपए तक सरकारी इलाज मुफ्त किया जाएगा। इसके साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे PHC और CHC को मजबूत किया जाने के लिए। अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में मासिक धर्म से संबंधित वस्तुओं और दवाओं की मुफ्त आपूर्ति होगी। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा के लिए प्रत्येक PHC में एक अलग महिलाओं द्वारा संचालित स्वास्थ्य शक्ति केंद्र दिया जाएगा, बनाया जाएगा खास महिलाओं के लिए, जहां पे सिर्फ महिला उसको संचालित करेंगी और वहां महिला डॉक्टर भी उपलब्ध होंगी। तो ये स्वास्थ्य के लिए थी। मोटी मोटी है जो हमने पॉइंट्स हमने अपने घोषणा पत्र में डाले हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी बहुत सारी ऐसी, ये हमारा घोषणा पत्र है। यहाँ की वहाँ